नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान वार्षिक पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अगर आपने कक्षा 10वीं विज्ञान पेपर दिया है और इसका आंसर की या फिर आप इस पेपर के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं और मिलान करना चाहते हैं अपनी मन की संतुष्टि के लिए कि कितने नंबर का हम पेपर सही करके आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प। तो पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो छात्रों, हम सभी के आंसर जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। इससे हमारा मोटिवेशनल बना रहेगा और इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए छात्रों, अब हम सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्रमांक एक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, एक आपको अभिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, Fe2O3 प्लस 2Al एरो और Al2O3 प्लस Fe। और यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या पूछा है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, दो विस्थापन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। अगर आपने विस्थापन अभिक्रिया पर टिक किया है और उत्तर पुस्तिका में विस्थापन अभिक्रिया लिखा है तो यहाँ पर आपका एक नंबर पक्का हो जाता है और आपका राइट आंसर है। इसके बाद में दूसरा है, अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अपचय का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एंटीबायोटिक और ब्रैकेट में यहाँ पर प्रतिजैविक होता है और इसके बाद में एनाल्जेसिक यानी कि पीड़ा हरी या फिर एंटीसिड या फिर एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन है इसमें से सही आंसर होगा एंटीसिड। तो यहाँ पर किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, एंटीसिड। तो यहाँ पर अगर आपने सी वाला ऑप्शन सही किया है तो आपका सही आंसर है और यहाँ पर आपको एक नंबर और पक्का हो जाता है। इसके बाद में तीसरा है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ग्रीस लगाकर या फिर पेंट लगाकर या जिंक की परत चढ़ाकर या फिर क्रोमियम की परत चढ़ाकर। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर है जिंक की परत चढ़ाकर। आपने अगर ये किया है तो आपका राइट आंसर है और यहाँ पर आपका एक नंबर और पक्का हो जाता है। इसके बाद में देख लेते हैं चौथा प्रश्न, ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो यहाँ पर भी चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल। तो यहाँ पर भी चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इसमें से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है सी वाला, कीटोन। अगर आपने कीटोन किया है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में हम पांचवा देख लेते हैं, पाइरूवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है, किस में होती है ये क्रिया, ये कोशिका द्रव में होती है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या फिर हरित लवक में या फिर केंद्रक में। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में ये अभिक्रिया होती है और अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया किया है तो आपका राइट आंसर है। इसके बाद में देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। अब दो तंत्रिका कोशिका हैं उसके मध्य जो खाली स्थान रहेगा उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसमें से सही आंसर है सिनेप्स। अगर आपने सिनेप्स ऑप्शन नंबर बी किया है तो आपका राइट आंसर है, यहाँ पर आपका एक नंबर और पक्का हो जाता है। और इसके बाद में हम अगले प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरे में पूछा है, रिक्त स्थान भरिए, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। तो हमने जो रिक्त स्थान है आप एक से लेकर छः तक, पाँच छः, तो यहाँ पर छः रिक्त स्थानों के आंसर हमने लिख कर रखे हैं, कार लिख कर रखे हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद में सत्य और असत्य में कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं इसके आंसर और सही जोड़ियों के आंसर, और इसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर के सभी प्रश्नों के आंसर आपको कैसे देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने सभी प्रश्नों के आंसर आपके लिए लिख कर रखे हैं और वहाँ से आप अपने मिलान कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं।
छात्रों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एग्जाम दीप। यहाँ पर मैं एग्जाम दीप लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप एग्जाम दीप गूगल पर सर्च करोगे और जैसे ही सर्च करने के बाद में कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आएगी examdeep.com करके, तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है MP बोर्ड 10th साइंस पेपर सॉल्व्ड, यानी कि पूरा पेपर आपको हल यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर इस आर्टिकल को आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये आर्टिकल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो आप नीचे स्क्रॉल करके देख लेना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कक्षा 10वीं विज्ञान वार्षिक पेपर फुल सॉल्यूशन आंसर की। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पूरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा और इस आर्टिकल में आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। तो जल्दी से आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आकर सभी प्रश्नों के उत्तर चेक कर लो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना अपने दोस्तों के साथ।